हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अब जो है जीके की ट्रिक्स पढ़ना और भी आसान हो गया दोस्तों, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए जीके की रिलेटेड जितने भी स्पेशल ट्रिक्स होंगी वो सब की सब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही ट्रिक्स आज की वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्विट्स आपके लिए सामने में लेकर आया हूँ कि अब बस तभी आपको रुकना है जब सफलता हमारे कदमों में हो। तो अब आपको सभी रुकना है, अब हमें तभी रुकना होगा जब सफलता हमारे कदमों में आ जाएगी। तो इस क्वेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली ट्रिक है, वो ट्रिक है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है उनकी शॉर्टकट ट्रिक है। तो ट्रिक ये है आपके सामने कि गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। तो आप यहाँ से जो है टोटली इस ट्रिक से आप इन 8ों जो राज्य हैं जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो गुजरती है, तो उनकी ट्रिक है ये। तो आपको ट्रिक मैं फिर से बता देता हूँ, ट्रिक का नाम है गमछा झार मित्र पर। तो गमछा झार मित्र ट्रिक से आप क्या याद रख सकते हैं, ग से आप गुजरात हो जाएगा आपका, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, झा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झर से झारखंड हो जाएगा, मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल और राजस्थान, र से राजस्थान हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंपर से कैंकर से कौन कौन से राज्य होकर गुजरते हैं। फिर से मैं बताता हूँ गमछा झार मित्र पर। तो यानी कि आपके पास एक गमछा है, उस गमछे में कचड़ा है या गंदा लगा हुआ है या कोई भी मतलब धूल के कण लगे हुए हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हो, मित्र पे झाड़ दे रहे हो गड्ढे को। तो उसी माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए दूसरी ट्रिक है आपके सामने, जो G20 है, G20 के सदस्य देशों को नाम, जितने भी देश हैं उनकी नाम याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि गुरुजी, किसी छात्र ने मान लीजिए कहा कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। फिर से मैं बताता हूँ, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको जो जो इंग्लिश के वर्ड दिए हैं उनके आधार पे भी इसे याद करोगे। सबसे पहले गुरुजी से, ठीक है, गुरुजी में आप जी, ठीक है, आप देखिए गुरुजी, इसके बाद आपका हो गया, देखिए गुरुजी मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि गुरुजी में आपका क्या है, जी से जर्मनी हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद यू से आपका क्या हो जाएगा, USA हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, आपका रसिया हो जाएगा। फिर यू से आपका UK हो जाएगा, वहीं जे से आपका जापान हो जाएगा, और आई से आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और सीता में आपका बस केवल एस लेना है, ठीक है, तो S4 आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इतनी ट्रिक से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी ट्रिक है आपके सामने, तीसरी ट्रिक आपके सामने है तना वाली फसल, जो आपके थंबनेल में दिखाई दिया था, तना वाली फसल को याद करने की ट्रिक है हद कर दी आपने। तो हद कर दी आपने ये जो ट्रिक है, इसके माध्यम से आप तना वाली जितनी भी फसलें हैं उनको याद कर सकते हो। तो हद से आपका हल्दी हो जाएगा, कर से केसर हो जाएगा, दी से आदि हो जाएगा, आ से आलू हो जाएगा, और प से प्याज हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं हद कर दी आपने से। चलिए अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं, विटामिन ABCDE की कमी से जो भी रोग होते हैं उनकी शॉर्टकट ट्रिक है। तो ट्रिक ये है आपके सामने, रवे सारे वहाँ पर हैं, रवे सारे वहाँ पर हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है सारे ABCDE के जितने भी विटामिन हैं उनके, और यहाँ पे हमने जो है ट्रिक को लगा दिया, ए में र लगा दिया, बी में वे, और सी से सा लगा दिया, डी में रे, ई में वहाँ, और के में पर। तो ए से र है तो रतौंधी हो जाएगा, वे से वेरी वेरी मतलब बेरी बेरी हो जाएगा, सा से स्कर्वी हो जाएगा, रे से रिकेट्स हो जाएगा, ई से बांझपन हो जाएगा, पर से रक्त का ढक्का न बनना। तो इस तरह से रवे सारे वहाँ पर हैं, इस ट्रिक से आप जितनी भी विटामिन हैं इन विटामिन की कमी से जो भी रोग होते हैं उन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट ट्रिक है आपके सामने जेनेटिक डिजीज याद करने की, अनुवांशिक रोग जितने भी हैं उनको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक है कि वही क्लिप वही डांट, ठीक है, वही क्लिप वही डांट। तो वही से आपका वह से वर्धानता ही से हीमोफीलिया, फिर यहाँ पे वही जो है आपका फिर से आ गया तो इसको आप हटा देंगे। और इसके बाद जो है आपका क्ली से क्या हो जाएगा, क्लाइन फिल्टर, और प से पटाऊ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो है ये डॉट का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ट से आपका टर्नर सिंड्रोम भी हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रख सकते हैं आप। इसके बाद चलिए नेक्स्ट ट्रिक है आपका कि भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाहों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है आपका सीसीटीवी, ठीक है, आपका सीसीटीवी। तो आ से हो जाएगा अन्नूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, प से हो जाएगा पराद्वीप जो उड़ीसा में पड़ता है, क से कोलकाता जो कोलकाता में पड़ता है, सी से चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, टी से तूतीकोरिन पड़ता है तमिलनाडु में, और वी से विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आपका सीसीटीवी से भारत के जितने भी पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य नौ नदी जो अरब सागर में गिरती हैं उनकी शॉर्टकट ट्रिक है, उनकी ट्रिक है कि सालू की माँ भानमती सोजा, सालू की माँ भानमती सोजा। तो यहाँ पे सालू का मतलब है साबरमती लूनी, की माँ का मतलब है मांडवी माही, भानमती, ठीक है, भानमती से आप याद रख सकते हैं। फिर से मैं दिखाता हूँ, भानमती, भा से भारत पूजा या पुन्नानी नदी, और न से आपका जो है नर्मदा, मती यहाँ पे जो है आपका साइलेंट है, ठीक है। और सोम जो है यहाँ पे आपका सो से सोम हो जाएगा, जा से जाखम, नव हवाई नव जवाई, ये जो है आपकी अरब सागर में नौ नदियाँ गिरती हैं, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, ठीक है।